जनपद शामली में एक युवक को रेलवे विभाग में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने 5 लाख रुपए की ठगी की है। यही नहीं, साथी ठग ने पीड़ित युवक को एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया, जिसके आधार पर जब युवक ज्वाइनिंग वाले स्थान पर गया तो वहां से उसे फर्जी बताकर भगा दिया गया। पीड़ित युवक ने SP शामली से आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला जनपद शामली के थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल का है, जहां गांव निवासी कुलदीप पवार से गांव भनेड़ा के एक युवक राजीव उर्फ बॉबी पुत्र बेदू ने रेलवे में चतुर्थी श्रेणी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपया ठग लिए। यही नहीं, शातिर बॉबी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाकर कुलदीप को दे दिया। जब कुलदीप सिंह ज्वाइनिंग लेटर वाले स्थान पर पहुंचे तो वहां विभागीय कर्मचारी ने उसे फर्जी बताकर भगा दिया। जब कुलदीप ने बॉबी से इस संबंध में बात की तो बॉबी उसे टरकाता रहा। वहीं कुलदीप अपने पिता रामकुमार के साथ SP ऑफिस शामली पहुंचे और आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। SP शामली दिनेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। कुलदीप, क्या हुआ आपके साथ? मेरे नौकरी के उसमें पैसे लिए थे 5 लाख रुपए। किसने लिए थे? बॉबी ने जी। अच्छा, काहे में नौकरी के? रेलवे में जी। फिर क्या हुआ? सारा काम होने के बाद भी कह रहे हैं रोड दिख दिया है। क्या दिया था आपको, क्या मिला आपको? अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ज्वाइनिंग लेटर है, वेरीफाई फाइल। तो आप गए, फिर क्या हुआ? वहाँ से गए थे, वहाँ से भगा दिया जी, पीट के जी। क्या कह दिया? बोला तो फ्रॉड है जी। तो क्या चाहते हैं आप? हम पैसे चाहते हैं जी अपने। वो नौकरी का उसमें दिया गया जी, ठीक है, तो फ्रॉड के लिए कर दी हमारे साथ। कितने रुपए दिए थे? 5 लाख रुपए। कौन लोग थे वो जिन्हें दिए? ये भनेड़े के हैं जी, बोटी उर्फ राजे कनोक बेदू। तो लगी नहीं आपकी नौकरी? नहीं, लड़के की नौकरी है। लड़के की नौकरी के लिए देते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ अपना? अब बस गाड़ी का लोच करके अपना मार्केट का भगा दिए। और कुछ कागजात वगैरह भी आ रहे हैं आपके नौकरी के? हाँ जी आ रहे हैं। क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर है जी, ज्वाइन लेटर है, और भी है जी। अच्छा, एक व्यक्ति आए थे आज पुलिस ऑफिस, जिनका ये कहना था कि उनके बेटे को रेलवे में भर्ती के नाम पर उनसे कुछ पैसे ले लिए गए हैं और उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया गया था भर्ती का, जो कि बाद में वो जब गए रेलवे बोर्ड तो उनको बताया गया कि ये फर्जी है। इस संबंध में उन्होंने यहाँ पुलिस ऑफिस में आके अपनी कंप्लेंट दी। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए थाने पे जांच के लिए भेज दिया गया है। संबंधित अभिलेख इकट्ठे करके इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए बताया गया है। जो भी आरोपी हैं उनको उनकी गिरफ्तारी जांच के बाद की जाएगी।